टू टूवेल्व ऑफ यू वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल टूडे वी विल डिस्कस द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ फिजिक्स क्वेश्चन पेपर ऑफ़ बी एस सी सेकेंड ईयर डी डी यू गोरखपुर यूनिवर्सिटी प्रिय विद्यार्थियों जैसा आप जानते हैं कि हमने बी एस सी सेकेंड ईयर फिजिक्स के पेपर को तीन पार्ट में देखा था इसमें सेवेंटी फाइव क्वेश्चन थे एक से पच्चीस तक के जो क्वेश्चन थे वो थर्मल फिजिक्स के थे छब्बीस से 50 तक के जो क्वेश्चन थे वो ऑप्टिक्स के थे थर्मल फिजिक्स और ऑप्टिक्स uh, के क्वेश्चंस की आंसर की हमने आपसे डिस्कस की है पार्ट वन और पार्ट टू में और आज अब हम पार्ट थ्री की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स से जो पार्ट थ्री है उसमें फिफ्टी वन टू सेवेंटी फाइव जो क्वेश्चन उसके करेक्ट आंसर्स क्या हैं तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन एन एन टाइप सेमी कंडक्टर इज ऑप्टेंड बाई द डोपिंग ऑफ जर्मेनियम विथ द इम्प्योरिटी तो जर्मेनियम में किसकी इम्प्योरिटी आप डोपिंग uh, मतलब जर्मेनियम में किसकी डोपिंग करें कि यन टाइप सेमी कंडक्टर बने तो आरसेनिक की क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ऑपीटाइप सेमी कंडक्टर इज पी टाइप सेमी कंडक्टर पर किस तरह का चार्ज होता है तो वेल well नोन है कोई भी कंडक्टर जब पी टाइप हो चाहे एन टाइप हो जब प्योर हो, होगा तो जो टोटल चार्ज होता है वो जीरो होता है दैट इज़ न्यूट्रल होता है तो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट सफिशियंट फॉर द क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर इन जी एस एनर्जी गैप दिया गया वन पॉइंट फोर टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज तो कित किस कौन सी फ्रिक्वेंसी सफिशियंट होगी ओके तो फिफ्टी थ्री का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए 3.43 पॉइंट फोर थ्री इंटू टेन टू दॉर फोर्टीन हर्ट्स इसको कैलकुलेट करना होगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपका उद्देश्य भी सही आंसर को जानना है फिर मैं बाद में इसको एक एक क्वेश्चन को क्लियर क्लियर डिस्क्राइब करूँगा वाइट बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर फिफ्टी द बैरियर वोल्टेज एट पी एन ऑफ जर्मेनियम इज़ अबाउट जर्मेनियम में जो बैरियर वोल्टेज होता है पी एन पर वो आ, किस आर्डर का होता है ऐसा पूछा गया तो फिफ्टी फोर का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी ज़ीरो पॉइंट थ्री वोल्ट द डायनेमिक रजिस्टेंस ऑफ अ पी एन डायोड एट फॉर्वर्ड करेंट ऑफ टू मिली एमपियर तो टू मिली एम्पियर के लिए आपको बताना है तो फिफ्टी फ़ाइव का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी ट्वेल्व पॉइंट फाइव ओ इसका एक फार्मूला होता है और चूँकि मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाह रहा हूँ लेकिन आप अगर देखें तो मैं एक बस फार्मूला लिखते चलूँगा ताकि कोई विद्यार्थी चूँकि कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो आजकल YouTube पर वायरल जो की आंसर की हूँ उनमें उसके आंसर ही नहीं दिए गए हैं तो मैं उसको स्पष्ट करने के लिए सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको हिंट दे रहा हूँ ये होता है के टी अपॉन ई और यहाँ से अगर आप देखें तो आर आई एफ तो ये एग्जैक्टली exactly कुछ इस तरह का फार्मूला होता है जहाँ आपने ईटा की जगह क्या लिया है वन लिया है तो ईटा की जगह वन ले लेंगे तो आपको यहाँ से भी आंसर मिल जाएगा तो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स इन अ ट्रांजिस्टर आई सी इज इक्वल टू हंड्रेड मिली एम्पियर एंड आई ई इज इक्वल टू हंड्रेड पॉइंट फाइव मिली एम्पियर द वैल्यू ऑफ करेंट गेन फैक्टर बीटा इज करंट गेन फैक्टर बीटा इज इक्वल टू क्या होता है आई सी अपान आई बी ओके तो यहां से अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए टू हंड्रेड क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन द सर्किट्स यूज टू जनरेट देयर ओन साइनोसाइडल एंड नॉन साइनोसाइडल सिग्नल्स आर कॉल्ड फिफ्टी सेवन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी ऑसिलेटर्स. फिफ्टी एट द बेसिक टू कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर ऑसिलेटर्स आर अ जनरेशन ऑफ एम्प्लीफा एम्प्लीफिकेशन एम्प्लीफिकेशन एंड फीडबैक वेब सेप एंड वी फीडबैक जनरेशन एंड फीडबैक तो फिफ्टी एट का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी एम्प्लीफिकेशन एंड फीडबैक क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन फिफ्टी नाइन है वन डेसिबल करस्पॉन्ड्स टू चेंज इन पावर लेबल बाई तो वन डेसिबल करस्पॉन्ड टू चेंज इन पावर लेवल बाई फिफ्टी नाइन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी ट्वेंटी सिक्स परसेंट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी द आउटपुट ऑफ अ microphone is इज रेटेड एट माइनस फिफ्टी टू डेसीबल इफ द रिफरेंस लेबल इज वन वोल्ट द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द माइक्रोफोन विल बी मैं देखा हूँ क्वेश्चन नंबर सिक्सटी जितने भी आपके आंसर की नोट वायरल हुए हैं उनमें कोई भी इसका जवाब नहीं दिया है बट इसका सही जवाब दिया जान लीजिए आप लोग कि क्या होगा ताकि आप अपने Uh, मेहनत को जांच सके तो आपको मालूम होना चाहिए माइनस फिफ्टी टू डेसीबल uh, को जब आप कन्वर्ट करेंगे डेसीबल स्मॉल बी ही लिखिए ताकि आप कन्फ्यूज ना होइए डेसीबल इज़ इक्वल टू होता है ज़ीरो पॉइंट जीरो जीरो टू फाइव वन टू वोल्ट समझे जिसको आप लिख सकते हैं टू पॉइंट फाइव मिली वोल्ट इस तरह से क्वेश्चन नंबर सिक्सटी का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी ओके तो ये सवाल कोई नहीं लगाया था तो मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन द ओवरऑल गेन ऑफ अ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर इज वन फोर्टी वेन नेगेटिव फीडबैक इज एम्पलीफाइड द गेन इज रिड्यूस्ड टू सेवेंटीन पॉइंट फाइव द फीडबैक फैक्टर इज तो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी जीरो पॉइंट जीरो फाइव सिक्सटी टू इन अ कल्पेट्स ऑसिलेटर द फीडबैक इज ऑपटेंड द फीडबैक इज ऑपटेंड कल्पैट्स ऑसिलेटर में जो फीडबैक होगा वो कैसे पाया जाएगा तो उसके लिए सिक्सटी टू का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्प्लिट कैपेसिटर क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री इन द केस ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेब द पावर इन कन्वेइंग द सिग्नल इज क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी वन हाफ ऑफ द कैरियर पावर इवन विथ हंड्रेड परसेंट मॉड्यूलेशन तो इसका भी चूँकि फार्मूला होता है ये भी कई जगहों पर कन्फ्यूजन में बच्चे थे तो मैं इसको भी लिख दे रहा हूँ पी एस इज इक्वल टू वन अपॉइंट टू एम स्क्वायर पी सी तो यहाँ एम की वैल्यू को वन मान लिया जाए वन मान के चला जाता है तो भी आप देखेंगे कि जो भी आप पी सी की वैल्यू लेंगे उसका आधा मिलेगा पी एस की मान ओके इसीलिए क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर द इंटरमीडियट फ्रीक्वेंसी द इंटरमीडियट फ्रीक्वेंसी इज फोर फाइव फाइव किलो हर्ट्स इफ़ द रेडियो रिसीवर इज़ ट्यून्ड टू एट फाइव फाइव किलो हर्ट्स लोकल ऑसीलेटर फ्रीक्वेंसी विल भी लोकल ऑसीलेटर फ्रीक्वेंसी विल भी तो सिक्सटी फोर का जो है करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है तेरह सौ दस किलो हर्ट्स क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव अ हंड्रेड वोल्ट कैरियर इज मेड टू वेरी टू वेरी बिटवीन वन सिक्सटी वोल्ट एंड फोर्टी वोल्ट बाय द सिग्नल द मॉड्यूलेशन फैक्टर इज जो मॉडुलेशन फैक्टर होता है वो कितने के बराबर होता है तो यहाँ आपको क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए जीरो पॉइंट सिक्स इसका भी फार्मूला होता है यम इज इक्वल टू वी मैक्स माइनस वी मीन अपान वी मैक्स प्लस वी मीन ये भी थोड़ा सा बच्चों में कन्फ्यूजन था इसलिए मैंने इसको बोल दिया है सिक्सटी सिक्स मॉसफेट कैन बी ऑपरेटेड विथ मॉसफेट कैन बी ऑपरेटिड विथ तो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी बोथ द पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव गेट वोल्टेज क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन इफ द ऑपरेटिंग पॉइंट इज चेंज यच पैरामीटर ऑफ द ट्रांजिस्टर यच पैरामीटर ऑफ द ट्रांजिस्टर हाइब्रिड पैरामीटर ऑफ द ट्रांजिस्टर इसको आप लोग पढ़ते हैं ठीक है तो 67 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी डू नॉट चेंज वह परिवर्तित नहीं होगा 68 एनी डिजिटल सर्किट कैन बी मेड बाय द रिपीटेड यूज ऑफ एनी डिजिटल सर्किट कैन बी मेड बाय द रिपीटेड यूज ऑफ तो अगर आप 68 का करेक्ट ऑप्शन देखें तो ऑप्शन है डी नैंड गेट्स जो हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जितने भी एम मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया था अगर आप उनको पढ़े होंगे तो आप देखे होंगे कि लगभग सात से आठ क्वेश्चन तो मेरे एम से सीधे सीधे आपको मिले हुए हैं ये भी क्वेश्चन वहाँ था ऊपर भी दो क्वेश्चन बीत चुके हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फंक्शन वाई इज इक्वल टू ए बी प्लस ए बी बार इज क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन सी ए बी बार प्लस ए बी क्वेश्चन नंबर सेवेंटी द आउटपुट ऑफ नॉर गेट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज कैन बी रिप्रेजेंटेड एज तो आउटपुट ऑफ नॉर गेट कहा गया है तो नॉर्थ गेट का जो आउटपुट होगा वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा तो क्वेश्चन नंबर सेवेंटी का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी वाई इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार अगर ए और बी इनपुट आपने दिया है तो सेवेंटी द डाई द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर वन जीरो वन जीरो वन वन पॉइंट वन 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 जीरो वन इज इस तरह का भी देखिए सवाल मैंने आपको लगवा रखा है अपने एम में तो सेवेंटी वन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी फोर्टी थ्री पॉइंट एट वन टू फाइव चलिए सेवेंटी टू सेवेंटी टू की बात आती है तो फोटोवोल्टाइक एनर्जी इज़ द कन्वर्जन ऑफ सन लाइट इन टू एनर्जी जो है वो सनलाइट की किस फॉर्म में एनर्जी का कन्वर्जन होती है तो सेवेंटी टू का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी इलेक्ट्रिसिटी सेवेंटी थ्री द आइडियल वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर ऑफ ट्रांजिस्टर इज स्टेबिलिटी फैक्टर ऑफ ट्रांजिस्टर इज ये तो एकदम सीधा सवाल है आइडियल वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर ऑफ ट्रांजिस्टर कितना होता है वन होता है तो सेवेंटी थ्री का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी सेवनटी फोर अ बाइनरी डिजिट इज कॉल्ड बाइनरी डिजिट इज़ कॉल्ड बिट बाइट डेटा निबला तो अब आपको 74 ये भी एकदम बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है 74 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए बिट 75 फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लीस्ट नॉइज लेवल किसका जो है नॉइज लेवल सबसे कम होता है तो आपको मालूम है डायोड ड्राइव बीजेटी इसमें सबसे सुपीरियर क्या होता है फैक्ट होता है तो क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए फैक्ट एफ ई टी ओके तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों हमने बीएससी एस सेकेंड ईयर का जो एग्जामिनेशन दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में उनतीस सात दो को हुआ उसके क्वेश्चन फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर का पचहत्तरों क्वेश्चन का आपको करेक्ट आंसर बता दिया है आप सभी अपने आंसर को मिला भी सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल पर जितने भी वीडियोस थे इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ वीडियो मैंने डाले थे और थर्मल फिज़िक्स के लगभग पूरे वीडियोस को मैंने कवर किया था तो अगर आप देखें तो जो विद्यार्थियों का फीडबैक है वो बहुत ही बुलिस है और वो बहुत ही प्रसन्न हैं क्योंकि थर्मल फिजिक्स में सभी के सभी विद्यार्थियों ने आउट ऑफ ट्वेंटी फ़ाइव ट्वेंटी फाइव, फाइव में से ट्वेंटी ट्वेंटी टू तक सही किया है और जो भी बच्चे मेरे क्लास में बैठते रहे हैं वो ऐसे ही अच्छा परफॉर्म किए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने उन पेपर्स को उन चैप्टर्स को कवर किया था जिनको मैं थोड़े अपनी क्लास में कम डिस्कस कर पाया था डिटेल में तो इसलिए आपने देखा उस पर मैंने एम बनाया था और उसमें से भी लगभग सात एम सीधे सीधे मैच किए हैं तो उम्मीद है आपके पेपर बहुत अच्छे हुए होंगे आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ धन्यवाद